नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। आज की वीडियो अभी तक का जो अपडेट है बंगाल चुनाव से रिलेटेड, सिर्फ बंगाल चुनाव से रिलेटेड 12:30 बजे तक की जितने भी काउंटिंग टीवी पे दिखाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी हार रही हैं। ममता बनर्जी सामने इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि नंदीग्राम का वो रिजल्ट चाहती हैं कि कुछ क्लियर हो, क्योंकि वो वहाँ से हार रही हैं। कैसे क्या हो रहा है, शाम तक क्या पता चल सकता है, भाजपा ने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया है या जीतने वाली है हारने वाली है, क्या पूरी चीज़ें, थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपके सामने ले आया हूँ। और अगर इन केस भाजपा जीतती है या बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है उसके क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। किसी और तरीके से कनेक्ट होना हो या सपोर्ट करना हो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बताई गई हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर अगर कोई बंगाली देख रहा है और मेरी भाषा समझ पा रहा है तो रिएक्शन जरूर दे, उसका मतलब ग्राउंड लेवल का जो उसका रिएक्शन है इस चुनाव को लेके, उसने क्या सोचा है, कौन सी पार्टी को देखना चाहता है, उसके हिसाब से मेरे एनालिसिस के हिसाब से अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अब मैंने ये क्यों कहा कि ममता बनर्जी हार रही है, अभी तक की जितनी रिपोर्टिंग थी जब मैंने देखा तो 3775 वोटों के आसपास से नंदीग्राम में बंगाल की दो बार से रह चुकी सीएम पद की कैंडिडेट, जो अभी भविष्य में भी सीएम पद की कैंडिडेट भी वही होंगी जाहिर सी बात है, और अभी तक की सीएम जो रह चुकी हैं वो नंदीग्राम से इतने वोटों से हार रही हैं। शुभेंदु अधिकारी इतने वोटों से आगे हैं, ये कहने का मतलब है। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं, पूरे बंगाल में टीएमसी जीत रही है, अभी के डाटा के हिसाब से टीएमसी जीत रही है, लेकिन ममता बनर्जी हार रही है। मतलब अगर आपको ममता बनर्जी एज अ सीएम चाहिए, उनकी पार्टी को आप जिताना चाहते हैं क्योंकि आपके पास और कोई चेहरा नहीं है, ममता बनर्जी को ही जिताना चाहते हैं, उनको ही पावर में देखना चाहते हैं, लेकिन उसी राज्य के उसी एक इलाके से कॉन्स्टिट्यूंसी से उस सीएम कैंडिडेट हार रहा है। अब यही चीज़ कहीं और हो रही होती तो सारे लेफ्ट विंग, ये कम्युनिस्ट, माओवेस्ट, इस्लामिस्ट, कांग्रेसी, सपा, भाजपा, अगर यूपी की बात होती तो इसका एक अलग सा मजाक बन रहा होता कि देखिए जनता तो नहीं चाहती है कि योगी जी जीतें, लेकिन भाजपा पता नहीं कैसे जीत रही है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सी पूल बूट की सेटिंग है और ईवीएम फिक्स हो चुका है। लेकिन यहाँ हो रहा है तो किसी को थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। अब मैं बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से, अगर मैं बोल दूँ कि पिछले 5, 10, 20, 30 जब से बांग्लादेश बना तब से इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशी मुसलमानों का हो रहा है। ममता बनर्जी हाल ही के कुछ समय पहले, 1-2 साल के अंदर अंदर उन्होंने उन मुसलमानों को, उन सो कॉल्ड रेफ्यूजीज़ को, उन रोहिंग्या मुसलमानों को जो बंगाल की टेरिटरी में रह रहे हैं इलीगली, उनको उन्होंने लीगल बनाने का हर एक प्रयास किया हुआ है, ऐसी सोर्सेज की खबरें हैं। और कई बार आपने न्यूज़ों पर भी देखा होगा, कई रिपोर्टर्स ने भी छापा इस बात को कि उन्होंने बहुत सारी ज़मीन उनको दी रहने को, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, राशन ये वो। तो क्या आपको लगता है कि इस देश में आधार कार्ड बनवाना, वोटर आईडी कार्ड बनवाना इतना मुश्किल है? और अगर आपको पता हो कि वहाँ की एक बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी, आपको अपना वोट बैंक बनाना चाहती है और वो आपको एक लीगल आइडेंटिटी दे सके, तो क्या वो देने में पीछे रहेगी, क्या उसको देना मुश्किल होगा? नहीं होगा। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ममता बनर्जी का वोट बैंक क्या है। अब चलो एक दूसरी चीज़ बताते हैं, इसी से लिंक ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा लॉजिकल लगे तो कमेंट कर बताइएगा। इस बार और टीवी में भी कह रहे हैं पूरा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को छोड़ चुका है, लेफ्ट को छोड़ चुका है और एकत्रित हो गया है कि सिर्फ भाजपा के खिलाफ एक पार्टी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, एक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और एक पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, अलग अलग बटेंगे, अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, एक पार्टी जीत जाएगी। और दूसरी, अगर इन केस अगर अली भटकते और एक टीएमसी जीत जाती है तो शायद बहुत कमज़ोर पार्टी रहती। तो ममता बनर्जी ने तय किया कि हम सबको एकत्रित करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक बनाएंगे और आज वो रिजल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि मैं अभी जब वीडियो बनाने से पहले जितना डाटा मैंने देखा 202 के आसपास टीएमसी है और 90 के आसपास बीजेपी है। दो बीजेपी ने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया, 3 से 93 पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बेंचमार्क है, लेकिन हाँ वो जीतने वाला अभी तक ग्राफ नहीं टच किया है भाजपा ने। लेकिन अभी शाम तक की बाकी है वोटिंग, बहुत सारी चीज़ें बाकी है तो उसके बाद अभी नहीं करते हैं, पूरे डाटा को डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं।
अब यही डर, इसी बात का डर सारे जो हमारे आपको नेशनलिस्ट स्पीकर्स दिखेंगे, पुष्पेन जी हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी हैं, ये तुफेल चतुर्वेदी हैं, नीरज अत्री हैं, संजय दीक्षित जी हैं, ये जितने भी हैं, और मैंने भी कई बार आपसे कहा है कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, मुसलमान चाहता है कि उनका आदमी गद्दी पर बैठे, उनका आदमी इन द सेंस मुसलमान ही गद्दी पर बैठे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं बैठ पा रहा है तो वो बैठे जो मुसलमानों को अपीज करता है। तो उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक हमें डाटा नहीं दिखाया गया कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, वो अपने वोट की पावर का उस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक वो किसी और को बिठा रहे हैं और उनका काम निकल रहा है। जब उन्हें लगेगा कि उनका कैंडिडेट इतना मजबूत है तो इस ममता बनर्जी, इस अखिलेश यादव, इस राहुल गांधी को ये लोग पूछेंगे भी नहीं। ये मैं अभी कह रहा हूँ, आज से भविष्य में अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो इनके सारे समर्थक ये वीडियो जरूर देखें, इसको सेव करके रख लें, डाउनलोड करके रख लें। और उस दिन ये मुसलमान जब सो कॉल्ड अपना लीडर बिठाएंगे, रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर वोट करेंगे, तो ये आपको अपीस नहीं करेंगे जिनको अभी आप अपीस कर रहे हैं। इस बात का यू नो गांठ बांध के रख लीजिए कि भविष्य में एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर पाएं। और सबसे बड़ी भाजपा से चूक क्या हुई आपको पता है? भाजपा ने कोशिश ये की कि हम अपने स्टैंड पर क्लियर रहते हैं कि हम आएंगे तो NRC लागू करेंगे, CA लागू करेंगे, इल्लीगल रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जितने भी हैं इन लोगों को भगाएंगे। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। वहाँ होना ही चाहिए था कि वहाँ के हिंदुओं को एकजुट होकर भाजपा को वोट देना चाहिए था, जो कि हुआ भी होगा, 3 से 93 पहुँचना हुआ भी होगा। लेकिन क्या अब हम ये मान लें कि वहाँ पर हिंदू आबादी कम हो चुकी है और उसका नतीजा है भाजपा की हार? और क्या हम ये मान लें कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वो तय करेंगे कि नॉन BJP anti-BJP पार्टी कौन सी है, हम एकजुट होकर उसके पास चले जाएंगे? एटलीस्ट वो भाजपा वाले मंसूबे नहीं निपटा पाएगी, हमारे ऊपर नहीं लागू कर पाएगी, हमारे ऊपर इन द सेंस जो टेक्निकल टर्म में सही भी कर रही होगी भाजपा ना, लीगल टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सही भी कर रही होगी, मुस्लिमों को अगर लगेगा कि वो एंटी इस्लामिक है और एंटी मुस्लिम है तो उसके खिलाफ जाके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कम नॉलेज की वजह से, भटकाने की वजह से, भटक जाने की वजह से, बेकूफियत की वजह से, चीज़ों को अच्छे से ना जानने की वजह से, कुछ मुल्ला मौलानाओं के कहने में आके वो भटक जाएंगे और NTBJP पार्टी को, NON BJP पार्टी को, भारत के अगेंस्ट जाने वाली हर उस फोर्सेस को वो पावर में ला के रखेंगे। खैर मुझे नहीं पता शाम का रिजल्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली, अभी तक किसी को नहीं पता है, 12:30 बजे तक किसी को नहीं पता, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम को क्या होता है वो देखने वाली बात है, किसकी सरकार बनती है देखने वाली बात है। लेकिन अभी ये भी पता चला है कि ममता बनर्जी सामने इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि नंदीग्राम का वो रिजल्ट चाहती हैं कि कुछ क्लियर हो, क्योंकि वो वहाँ से हार रही हैं। मतलब ये देखने वाली बात है कि CM पद का व्यक्ति अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहा है लेकिन उसकी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रही है आपको? खैर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।